Realme 2 मेरे पास आ चुका है और आज मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाने वाला हूँ कि ये फोन कैसा है और क्या आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हो ये है Realme 2 का बॉक्स और बॉक्स पर सारी डिटेल्स या स्पेसिफिकेशंस अभी मेंशन नहीं है, बट मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्स, क्योंकि हम बॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बॉक्स के अंदर जो फोन है उसमें इंटरेस्टेड है। तो बॉक्स को यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक लीफलेट मिल जाती है Realme लिखा हुआ है जिसके ऊपर, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं। वेट, इसके अंदर कुछ है तो इसके अंदर देख लेते क्या है। यहां पे आपको एक TPU केस मिल जाता है जो कि एक सिलिकॉन कवर है जो बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा आपके डिवाइस पर और स्क्रैचेस वगैरह से बचाएगा और हल्की फुल्की ड्रॉप से भी बचा देगा। तो यहां पे आप अपने फोन को देख सकते हो। इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, अभी आप लोगों को फोन दिखाई दूंगा। तो सबसे पहले आपको बॉक्स में मिल जाता है पावर अडेप्टर और ये एक नॉर्मल पावर अडेप्टर है, देख सकते हो 5 वोल्ट 2 एम्पीयर पे चार्ज करता है। यहां पे आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाती है। माइक्रो यूएसबी केबल से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, एटलीस्ट टाइप सी होनी चाहिए थी 2018 में। यहां पे आपका फोन है, आप देख सकते हो, और फोन को हाथ में लेते ही सॉलिड फील होता है, सच में काफी सॉलिड फील होता है। यहां पे आप देख सकते हैं डायमंड कटिंग डिजाइन है जो Realme 1 वाली थी, बिल्कुल यहां पे Realme 2 में वही डिजाइन रखी गई है, लेकिन ज्यादा बेहतर बना दिया उस डिजाइन को। आप लोगों को 6.2 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है Realme 2 में, जो कि 720p वाला पैनल यूज करा गया है, लेकिन डिस्प्ले बहुत क्रिस्प है, बहुत ब्राइट लगती है, लगता नहीं है कि 720p ही डिस्प्ले है। यहां पे आपको डिस्प्ले में इस बार नॉच भी देखने को मिल जाती है, नॉच में ईयरपीस दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि फ्रंट कैमरा है और f2.2 वाला अपर्चर है। तो इसका मतलब आप इससे बहुत अमेजिंग वीडियो कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी काफी अच्छी सेल्फीज भी खींच सकते हैं। फ्रंट कैमरा सच में काफी अच्छा है। तो यहां पे आपको बैक साइड पे जो डिजाइन है वो बहुत अमेजिंग देखने को मिलता है। ये 3 कलर में फोन अवेलेबल है, एक रेड कलर में, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में। मेरे पास ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है। तीनों ही कलर में डायमंड कटिंग डिजाइन आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे आपको फोन के लेफ्ट साइड में सिम ट्रे देखने को मिल जाती है जिसमें आप 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं। वॉल्यूम रॉकर्स भी देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में ही। यहां पे फोन के नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट, टाइप सी देना चाहिए था बट कोई नहीं, शायद Realme 3 में टाइप सी दे देंगे। यहां पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है और स्पीकर्स और माइक्रोफोन ग्रिल। यहां पे आपको राइट साइड में पावर ऑन एंड ऑफ बटन देखने को मिल जाता है जो कि हमेशा की तरह हर फोन में राइट साइड पे ही होता है। यहां पे आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। फोन ऑन हो गया है तो फोन को हम जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और सेटअप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आती हैं। कि फोन के बाहर से तो आप लोगों ने देख लिया कौन सी चीज कहां पर है, अब देख लेते हैं फोन के अंदर इन्होंने क्या कारीगरी करी है। तो सबसे पहले हम पैटर्न या पिन पासवर्ड सेट करने के बाद फिंगरप्रिंट को एक्टिव कर लेते हैं जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो यहां पे मैं जल्दी से फिंगरप्रिंट स्कैनर को एक्टिव कर लेता हूं और अपनी एक फिंगर ऐड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बता पाऊं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर कितना काम करता है, क्योंकि Realme 1 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया था। Realme 2 में फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि बहुत अच्छी बात है और काफी बड़ा अपग्रेड है और काफी जरूरी था ये अपग्रेड। फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए हर फोन में, ये सिक्योरिटी वाइज बहुत काम आता है, ना कि सिर्फ फोन को अनलॉक और लॉक करने में बल्कि आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह में भी काफी हेल्प देता है। यहां पे फेस अनलॉक भी दिया गया है तो मैं अपने फेस को भी रिकॉग्नाइज्ड करा लेता हूं और ऐड कर देता हूं। आप देख सकते हो फेस मैं काफी अच्छे से ऐड कर पा रहा हूं और इस बार शायद फेस अनलॉक भी काफी अच्छा दिया गया है, पिछली बार की तरह फोटो से नहीं खुलेगा डेफिनेटली। तो फोन को यहां पे मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने वाईफाई से, उसके बाद यहां पे डेटा मैं चाहूं तो इंपोर्ट करा सकता हूं पिछले किसी भी फोन से, बट मेरे को एकदम न्यू डिवाइस सेटअप करना है। तो यहां पे हम डिवाइस की होम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो डिस्प्ले मैं फिर से कहूंगा बिल्कुल भी नहीं लगती 720p वाली डिस्प्ले, लगती है 1080p की है। यहां पे काफी शार्प कलर्स देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट भी काफी अच्छा है, काफी ब्राइट डिस्प्ले दी है इन्होंने। नॉच की वजह से काफी मॉडर्न डिजाइन लगता है। जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 88%, तो मतलब ऑलमोस्ट 90% के पास है, तो काफी मॉडर्न लुक बनाती है इस डिवाइस को। चिन थोड़ी सी बड़ी है बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डिवाइस से भी बजट डिवाइस होने वाला है 10-11 हज़ार रुपए का, तो इतना एक्सेप्टेबल है। तो यहां पे हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फेसबुक वगैरह प्रीलोडेड है, उसके अलावा ज्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है क्योंकि ये कलर ओएस है। यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, एक बार सेटिंग्स में जाते हैं कि डिवाइस की स्टोरेज कितनी है। तो डिवाइस में आपको 32 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब ये 2 RAM वेरिएंट में आएगा, एक 3 GB रैम और एक 4 GB रैम। मेरे हिसाब से 4 GB रैम वाला एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा अगर 11 हज़ार रुपए के आसपास का लॉन्च कर देते हैं। प्राइसिंग अभी कंफर्म नहीं है इस फोन की, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्राइसिंग मिल जाएगी और इस फोन को आप कहां से खरीद सकते हैं उसकी डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी। तो यहां पे मैं एक बार फिंगरप्रिंट स्कैनर टेस्ट कर लेता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट पे उंगली रखी और अनलॉक हो गया, तो मतलब पहली बार इन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया अपने फोन में, पिछली बार तो नहीं दिया था बट इस बार काफी अच्छे से काम कर रहा है और फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है। जैसे आप देख सकते हैं मैं ओपी ऊपर देख रहा हूं, अब फोन को देखा तो फेस अनलॉक हो गया, तो मतलब फेस अनलॉक भी काफी अच्छा काम कर रहा है और काफी स्मूथ काम कर रहा है। तो यहां पर हम फोन के अंदर और
सेटिंग्स देख लेते हैं। फोन में आपको एंड्रॉइड 8.1 का सपोर्ट मिल जाता है। अब आती है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आप में से बहुत लोग वेट कर रहे होंगे कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है, कि प्रिंस आप बता भी दे प्रोसेसर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर यूज करा गया है वो है स्नैपड्रैगन 450। जी हाँ, ये एक बजट प्रोसेसर है और इस बार इन्होंने हीलियो P60 यूज नहीं करा, इन्होंने यूज करा है स्नैपड्रैगन 450। तो इस हिसाब से इसकी प्राइस होनी चाहिए 10-11 हजार रुपए। 10-11 हजार रुपए होती है तो बहुत अच्छा फोन रहेगा ये, क्योंकि सैमसंग तो 450 25 हजार रुपए वाले फोन में भी दे देती है, मतलब सीरियसली यार। तो यहाँ पे आप कैमरा इंटरफेस देख सकते हैं, काफी सिंपल सा कैमरा इंटरफेस है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं नीचे की तरफ, फोटो का, पोर्ट्रेट का, क्योंकि पीछे की तरफ आपको दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं, एक 13 मेगापिक्सल का है, एक 2 मेगापिक्सल का है। 2 मेगापिक्सल के कैमरा की मदद से आप पोर्ट्रेट फोटोज खींच सकते हो, मतलब वो बैकग्राउंड ब्लर वाली फोटोज खींच सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी इस फोन की क्विक अनबॉक्सिंग। स्नैपड्रैगन 450 के साथ ये फोन आता है, 3GB और 4GB RAM में अवेलेबल है। मैं आप लोगों को जल्दी इस फोन की प्रॉपर रिव्यू जरूर दूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वैसे कर ही दिया होगा, इतना भरोसा है मुझे। मैं मिलता हूं सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में।